कुछ लोग ये कहते हैं कि ये आइडिया तो मेरे मन में आया था, या ये अपॉर्चुनिटी तो मेरे सामने भी आई थी, या ये मौका तो मुझे भी मिला था। आपके टूल्स, आपके इक्विपमेंट्स, आपके गैजेट्स इतने एडवांस होने चाहिए कि आप हर काम को जल्दी और बेहतर तरीके से कर सकें। 96 केजी की बॉडी वेट को मैंने रिड्यूस करके 67 बॉडी वेट किया और 47 इंच की कमर को लेकर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करके 28 इंच की कमर और 6-पैक एब्स अचीव किए। जो कहते हैं वो करते हैं, मैंने उनके एक क्लास पहले भी ली है और डेफिनेटली मैंने अपने लाइफ में चेंजिंग देखे हैं उनको फॉलो करते हुए। डॉक्टर अमित महेश्वरी इतनी एनर्जी लगाते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे भी अपना जो भी मैं प्रोफेशन करता हूँ उसमें भी मुझे अपनी एनर्जी पूरे के तरीके से लगानी चाहिए। यहाँ पर आने से मुझे मेरे पर्सनल प्रोफेशन के अंदर ही कम से कम 7-8 लोग मिल गए जो शायद मेरे फ्यूचर क्लाइंट्स बन जाएंगे। अमित महेश्वरी की एक बात में सबसे अच्छी ये लगी कि अभी तक उन्होंने जितनी भी ट्रेनिंग्स या जितने भी सेमिनार किए हैं वो सारे उनके प्रैक्टिकल अनुभव पे बेस्ड है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अमित माहेश्वरी। मैं सीईओ एंड फाउंडर डायरेक्टर हूँ मेटास ओवरसीज लिमिटेड का। हमारी कंपनी स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन के मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट करती है और आज पूरे भारतवर्ष में हमारे फ्रेंचाइजी शोरूम एंड डीलर्स हैं। हमने अपनी कंपनी को इतने कम समय में इतनी रफ्तार कैसे दी, ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज कॉम्पिटिशन के इस दौर में हर व्यक्ति अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, पर कॉम्पिटिशन होने की वजह से उसके पास ऐसे टूल्स नहीं होते, ऐसा विजन नहीं होते, ऐसे इक्विपमेंट नहीं होते कि जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को एक्सपेंशन की ओर ले जा सके। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि बिजनेस में रफ्तार कैसे हासिल करें। तो रफ्तार जो शब्द है ना, उस शब्द को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। R स्टैंड्स फॉर राइट प्लानिंग। बहुत सारे लोग बिजनेस का शुभारंभ कर लेते हैं लेकिन बिजनेस का शुभारंभ करने के बाद भी बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है इसकी कोई प्लानिंग नहीं करते। मतलब लगातार सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं और रूटीन वर्क में अपने आप को एंगेज रखते हैं, लेकिन जो लोग प्लानिंग करते हैं कि मुझे बिजनेस में बिजनेस की ग्रोथ को कैसे बढ़ाना है, वो अपने बिजनेस में बहुत अधिक समय बिजनेस को एक्सपेंशन की ओर ले जाने के लिए लगाते हैं। इसीलिए प्लानिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके बिजनेस में रिटेल सेल कैसे करेंगे, होलसेल कैसे करेंगे, B2B बिजनेस कैसे करेंगे, B2C बिजनेस कैसे करेंगे, साथ ही साथ बिजनेस को एक्सपेंशन की ओर ले जाने के लिए किस तरह के प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे फ्रेंचाइजी नेटवर्क, डीलरशिप नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क, C&F, सुपर स्टॉकिस्ट, या इन्वेस्टर्स को इन्वाइट करके अपनी कंपनी की इक्विटी देकर या बैंक लोन लेकर। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसकी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, तभी आपको मिलेगी एक बेहतर रफ्तार। और रफ्तार का A स्टैंड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। आपके बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, आप कैसे उसको ठीक तरीके से प्रशासनिक तरीके से चलाते हैं, मतलब आपकी कंपनी के जितने भी डिसीजन मेकर हैं क्या वो डिसीजन मेकिंग की सही कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर नहीं तो ज़रूरत है उनको एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित चीज़ों को सीखने की, समझने की और बेहतर तरीके से बिजनेस को मैनेज करने की। एंड नेक्स्ट रफ्तार का F होता है फास्ट डिसीजन मेकिंग। फ्रेंड्स, एक स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर या मिड स्केल बिजनेस ओनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि उसके सामने यदि कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए या उसको छोड़ने के लिए डिसीजन लेने में कई बार वो बहुत लंबा समय लगा देता है, और समय लगाने की वजह से कई बार वो अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से निकल जाती है। और कई बार आपने देखा भी होगा कि भी कुछ लोग ये कहते हैं कि ये आइडिया तो मेरे मन में आया था, या ये अपॉर्चुनिटी तो मेरे सामने भी आई थी, या ये मौका तो मुझे भी मिला था लेकिन मैंने इस मौके को छोड़ दिया। फास्ट डिसीजन मेकिंग अगर आपकी होगी ना तो आप सही तरीके से फास्ट डिसीजन ले पाएंगे और जल्दी रिजल्ट्स को अचीव कर पाएंगे। इसीलिए रफ्तार का F हमें बताता है कि फास्ट डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट रफ्तार का T स्टैंड फॉर ट्रूली डेडिकेटेड टीम। कहते हैं ना कि बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपको एक बेहतरीन टीम की जरूरत होती है, और अगर वो टीम ट्रूली डेडिकेटेड भी है तो वो बेहतर तरीके से आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करेगी। इसीलिए टीम बिल्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और टीम बिल्डिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल पर दिए हुए हैं, मार्केटिंग से संबंधित, एक्सपेंशन से संबंधित। ये ना एक बिजनेस चैनल है, यहाँ पर आपको बिजनेस की बेहतरीन वीडियोस मिलेंगी, वो नॉलेज मिलेगी जो कंसल्टिंग में हम लाखों रुपए चार्ज करके बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ शेयर करते हैं। तो टी स्टैंड्स फॉर ट्रूली डेडिकेटेड टीम, ये आपके पास होनी चाहिए, और टीम बनानी कैसे है इसके नॉलेज भी आपको ज़रूर ग्रैब करनी चाहिए। एंड रफ्तार का A स्टैंड्स फॉर एडवांस टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि बिजनेस ओनर ना पुराने ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं,
वही पुराने रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, एक्सेल फाइल मेंटेन कर रहे हैं, या पुराने मेथड से बल्क SMS, बल्क ईमेल, बल्क व्हाट्सएप, कोल्ड कॉलिंग का मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। आज बिजनेस करने का तरीका ना तेज़ी से बदल रहा है, और जो लोग इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के इस युग में इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे वो आउटडेटेड हो जाएंगे। इसीलिए आपके टूल्स, आपके इक्विपमेंट्स, आपके गैजेट्स इतने एडवांस होने चाहिए कि आप हर काम को जल्दी और बेहतर तरीके से कर सकें, और जहां पर कोई लीकेज भी ना हो। रफ्तार का R स्टैंड्स फॉर रिव्यू योर रिजल्ट्स। फ्रेंड्स, आपने जितनी भी मेहनत की है ना, उस मेहनत की वजह से आपको एक रिजल्ट मिला है। अब आपको केवल रिव्यू करना है कि कहाँ कमी रह गई जिसमें हम सुधार कर सकते हैं, ताकि आप अपने उन लक्ष्यों को हासिल कर सकें जिन लक्ष्यों को हासिल करने का आपने ध्येय बनाया है। इसलिए लाइफ में अगर रफ्तार हासिल करना चाहते हैं तो रफ्तार की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के पास ना बहुत बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन उन सपनों को हासिल करने के लिए प्लानिंग नहीं है, यहाँ तक कि कब उन्हें अपने गोल्स को अचीव करना है इसके लिए भी कोई टारगेट निर्धारित नहीं किया। कहते हैं कि लक्ष्य कठिन हो तो पाने में मज़ा आता है, हिम्मत की हद से टकराने में मज़ा आता है, और समंदर की अथाह गहराई पसंद है मुझे, और आसमान की अनंत ऊंचाई पसंद है मुझे, समयबद्धता के साथ जीत जाने में मज़ा आता है। फिर कहता हूँ, समयबद्धता के साथ जीत जाने में मज़ा आता है। जो लोग अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव करने के लिए ना एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करते हैं, वही उसको हासिल कर पाते हैं। और आप तो जानते हैं, मैंने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी भी एक साल में कंप्लीट की थी। 96 kg की बॉडी वेट को मैंने रिड्यूस करके 67 बॉडी वेट किया, और 47 inch की कमर को लेकर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करके 28 inch की कमर और 6-pack एब्स अचीव किए। क्यों? क्योंकि मैंने निर्धारित किया था कि कितनी तारीख को मुझे अचीव करना है। यही बात हम बिजनेस पर भी करते हैं। आज हमारी कंपनी पूरे इंडिया में जो फ्रेंचाइजी बिजनेस कर रही है, हर साल हम एक नया टारगेट बनाते हैं कि इस साल हम कितने नए डीलर्स बनाएंगे, कितने नए एसोसिएट पार्टनर बनाएंगे, कितने नए FLB बनाएंगे, कितने नए एसोसिएट पार्टनर के साथ मिलकर हम एक्सक्लूसिव स्टोर्स खोलेंगे, फ्रेंचाइजी स्टोर्स खोलेंगे, डीलरशिप शोरूम खोलेंगे, और किस किस तरह से हम इन्वेस्टर्स को अपने बिजनेस में इन्वाइट करके एक्सपेंशन की ओर लेके जाएंगे। क्योंकि हम मानते हैं कि अगर लाइफ में रफ्तार हासिल करनी है तो रफ्तार का सही मीनिंग पता होना जरूरी है। अगर आप इन सभी बातों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारी मेंटोरशिप के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या कंसल्टिंग के माध्यम से भी अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में बिजनेस से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो घबराने की बात नहीं है, वो कॉमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर लिखें, और साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं, और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप भी अपने बिजनेस को और अपनी लाइफ को रफ्तार दें। जय हिंद, जय भारत।